जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोविंद जय
ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹರಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಾತ್ವದಿನ ಕಥಾ ಸುಂದರಿ ನವೀತ ಓಂ ಅಜ್ಞಾನಮುಕ್ತಿರಾಗಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರುವೇ ನಮಃ ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ರಾಧಿಕಾಯ ಪ್ರಿಯಾತ್ಮನೆ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತೋ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ನಾಮೇ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಗುರು ಹೃದಯ ನಿತ್ಯಲೀಲಾ ಪ್ರವಿಷ್ಟ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದ ಸ್ತುತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ನಾರಾಯಣ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಚರಣ ಕಮಲೋ ಮೇ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ದರ ಜ್ಞಾಪನ ಕರ್ತಾ ಹೂ ತತ್ಪಶ್ಚಾತ್ ಮೇರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಗುರುದೇವ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಶ್ರೀ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕಿ ಚರಣ ಕಮಲೋ ಮೇ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ದರ ಜ್ಞಾಪನ ಕರ್ತಾ ಹೂ ಉಸ್ಕೆ ಉಪರಾಂತ ಮಠ ಕೆ ಸಮಸ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರ್ಯೋ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಏವಂ ಉಪಸ್ಥಿತ ಸಭಿ ಭಕ್ತೋ ಕೆ ಚರಣೋ ಮೇ ಮೇರಾ ಯಥಾಯೋಗ್ಯ ಪ್ರಣಾಮ ಮುಡೌತ್ ಮೇ ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ और गंगा यमुना जैसी ही पवित्र जो है कृष्ण कथा महाप्रभु कथा में हम सब स्नान कर रहे महाराज श्री आए हुए हैं और सुंदर तरीके से नवदीप धाम की सुंदर सुंदर कथा सुनने को हमें मिल रहा है सौभाग्य है गुरुदेव हमेशा चाहे नया हो भक्त चाहे पुराना हो उसको उत्साहवर्धन किया करते थे ठीक इसी प्रकार से महाराज श्री कर रहे हैं और नवदीप धाम में परिक्रमा का जो सौभाग्य मिलता है वो कोटि कोटि जन्मों में और विरले ही जीवों को मिलता है इसमें कोई शक नहीं लेकिन हमें सहज लगता है क्योंकि हम चले जाते हैं और आ जाते हैं लेकिन इतना सहज है नहीं कितने करोड़ों जन्मों से हम इधर उधर भटक रहे थे गुरुदेव ने हम पे कृपा करके अपने आश्रित करके हमें नवदीप पहुंचाया नवदीप धाम और वृंदावन धाम दोनों तत्वता एक ही है महाराज श्री ने बताया होगा काफी कथा आपने श्रवण भी की है उसमें से दो एक जो वहां की स्थलियां हैं उनका मैं थोड़ा सा बताने की चेष्टा करूंगा गुरुदेव कृपा करें एक तो है वहां पर जहां नवदीप है जहां हमारा कृष्ण जी गौड़े मठ है देवरंग गौड़े मठ है उस क्षेत्र को बोलते हैं कौलद्वीप वहां पर वरा भगवान का स्थान बताया गया इसीलिए आप कभी जाएंगे तो मठ के अंदर भी देवरंग गौड़े मठ में भी वहां पर वरा भगवान का आपने दर्शन किया होगा और इसी प्रकार से एक स्थली है जैसे महाराज जी ने कल बताया था सुरभि कुंज उससे आगे बढ़ते हैं तो हर हरि दोनों का मिलन रूप का वहां पर मंदिर है और उसकी सुंदर कथा यह है कि जब भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारिका में आनंद रह रहे थे सुखपूर्वक रह रहे थे तो काशी नरेश जो कि भगवान शिव जी के आश्रित हैं उन्होंने सोचा कि अब तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है और उन्होंने अपनी मूर्तापूर्ण कार्यों से अपने को और महाराज को जो है वो यही है जो वो बने थे
काशी राजा है, काशी राजा संजय जी को मित्र थे ना, काशी राजा को थोड़ा सा घमंड हो गया। काशी राजा के यहां पर एक तो बाणासुर और एक अन्य पौंड नामक एक आसुरिक प्रवृत्ति का राजा जिसने अपनी चतुर्भुजा प्रकट कर ली थी, दो भुजा झूठी लगा ली थी और एक में चक्र रखता था और एक में गदा रखता था और कमल हाथ में लेकर के चलता था। इस तरीके से उसको बहुत घमंड हो गया था। भगवान श्री कृष्ण के पास उसने संदेश भेजा कि मैं असली नारायण हूं और ये जो कृष्ण है ये झूठा है, ये सबको भ्रमित कर रहा है। जब ये पत्र दूध लेकर आया, उस पत्र को पढ़ा सबने और यादवों ने बड़ी सभा में उसको पढ़ करके बड़ी हंसी उड़ाई, बड़े ठाका मार मार के हंसे और कहा जाओ अपने राजा से कि जाकर के अपने युद्ध की तैयारी करे, हम अभी आ रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने अपने रथ और सेना को तैयार किया और कहा चलो इस नारायण से दो दो हाथ किया जाए। तो काशी नरेश और ये पौंड ये इसने झूठा ऐसा ही अपना सेवक हनुमान रूप में बना लिया था, झूठी पूंछ लगा करके हनुमान बनता था कि हनुमान है और मैं नारायण हूं, कभी राम बनता हूं, कभी कृष्ण बनता हूं। इस तरीके से वो बड़ा ही भ्रमित था। और बाणासुर एक ऐसा असुर जो बलि महाराज प्रहलाद महाराज के वंश में, जिनको शिव जी का बड़ा ही कृपा प्राप्त हुई। एक बार शिव जी बहुत सुंदर तरीके से तांडव नृत्य कर रहे थे तो बाणासुर ने मृदंग बजाया तो शिव जी बड़े प्रसन्न हुए, नृत्य करने में बड़ा आनंद आया। तो उन्होंने कहा तुम्हारे दो हाथों में इतनी शक्ति है, इतना आनंद दिया तुमने मृदंग बजा के, तुम्हारी 1000 जो है भुजा हो जाए। तो उनकी भुजा उन्होंने आशीर्वाद देकर के 1000 कर दी। तो बाणासुर को इतनी शक्ति आ गई कि दो भुजा से असुर था पहले, इतनी शक्ति आ गई कि अब तो मैं चारों दिशाओं में विजय पिता का फहरा दूंगा। और देखो शिव जी से कृपा प्राप्त की, शिव जी को एक दिन उसने ललकाड़ दिया, बोलते मेरे भुजाएं फड़क रही युद्ध के लिए, शिव जी आप मुझसे दो दो हाथ करें। तो शिव जी ने कहा देखो बाणासुर, जिस दिन तुम्हारे यहां पर तुम्हारी जो युद्ध करने के लिए कृष्ण आ जाएंगे और तुम्हारी ये जितनी भी भुजा फड़क रही है उनसे शांत कर देंगे, तुम चिंता मत करो, मैं तो तुम्हारा आशीर्वाद देने वाला वरदाता गुरु या कुछ भी मानते हो वो हूं, इसीलिए युद्ध करने के लिए कृष्ण आ चुके हैं, तुमसे कृष्ण युद्ध करेंगे। अब यहां काशी नरेश को भी लगा कि अब हम जो है बड़े शक्तिशाली हो गए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपराध किया। पहले तो बाणासुर को भगवान श्री कृष्ण ने हराया, शिव जी स्वयं वहां पर लड़ने आ गए। शिव जी वहां पर जब लड़े तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको युद्ध करते करते एक सुलाने वाला तीर मारा जिससे कि निद्रा आ जाए, क्योंकि भगवान शिव को मार तो सकते नहीं और ना ही शिव कृष्ण को, क्योंकि तत्वता दोनों भगवत तत्व है, लेकिन प्रयास तो लीलावत तो ऐसा करेंगे। तो उन्होंने युद्ध में जो है एकदम से नींद आने लगी, जम्बाई आने लगी और वहां से चले गए। उसके बाद पौंडर के पास पहुंचे और पौंडर को उन्होंने हराया, अपने चक्र से उसकी दोनों भुजाएं जो झूठी थी उसे काटी और उसको मारा। ऐसे ही काशी नरेश जब युद्ध में आया तो काशी नरेश का भी जो है गर्दन उड़ा दी और वो काशी नरेश का सिर जो जाकर के काशी में गिरा और काशी भी जलने लगी चक्र की अग्नि से। ये देख करके शिव जी बड़े दुखी हुए, बड़े आश्चर्यचकित हुए और बड़े कांपने लगे कि अब मैं क्या करूं, मैंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। वहां से शिव जी नवदीप धाम में इस स्थली में आए हैं और वहां पर जब चारों ओर ये होने लगा कि शिव जी ने जो है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपराध किया, तो
जो वहां पर है प्रकट, उस रूप में भगवान ने अपना दर्शन कराया कि देखो हरि और हर दोनों तत्वता मैं ही हूं, शिव भी मैं हूं और विष्णु भी मैं हूं। तो उधर आप देखेंगे तो शिव जी का वहां पर आपको आधा स्वरूप नजर आएगा और विष्णु का आधा स्वरूप नजर आएगा। बहुत सुंदर दर्शन है, आप लोग वहां जाए और वहां पर शिव जी को स्थान मिला है कि जिस प्रकार से भी जो कुछ भी घटित हुआ आप निश्चित ही लीला कर रहे थे शिव जी, आप इसमें बिल्कुल भी अपने आप को अपराध बोध ना करें या स्वतंत्र होकर के आराम से यहाँ रह सकते हैं। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। एक बार उसमें जो जो नवद्वीप धाम है ये अभिन्न वृंदावन है, कहते हैं नवद्वीप धाम परिक्रमा करने से पृथ्वी में ऐसे कोई धाम नहीं जो अपनी परिक्रमा करने का फल नहीं है। जब शंकर जी उन्होंने देखा ये चक्र तो मेरे पीछा नहीं छोड़ रहा, शंकर जी जहाँ जाए चक्र वही पीछा। शंकर जी कौन है? एक स्वरूप में वो सदाशिव भी है और एक स्वरूप में शंकर जी ये वैष्णव नाम यथासंभव। तो भगवान के सबसे जो प्रिय भक्त श्री भोले बाबा है, इनके बगैर कोई लीला ही नहीं होता। हर लीला में शंकर जी राम रूप में जब आए, हनुमान जी बन करके आए प्रभु की सेवक आए, जब कृष्ण बन करके आए बस गोपीश्वर महादेव रूप में आए, जब श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आए अभी श्री अद्वैताचार्य जी बन करके आए। इसलिए शंकर जी ने देखा ये जो नवद्वीप धाम में यहीं पर श्री चैतन्य महाप्रभु आने वाले हैं, यहीं पर महाप्रभु आएंगे और जो धाम नित्य है, धाम नित्य है। तब श्री शंकर जी ने देखा अभी मैं जाऊं कहाँ, ये चक्र तो मेरे पीछा ही नहीं छोड़ रहा, ये जहाँ जाए चक्र वही, जहाँ जाए वही चक्र वही। फिर लास्ट में उसने श्री चैतन्य महाप्रभु का शरण में आए, बोले प्रभु त्राही माम त्राही माम, मेरे को रक्षा करो प्रभु रक्षा करो। इतने में भगवान कृष्ण ने समझाए, बोले देखो शंकर जी आपको भोले हो, शंकर जी एक नाम भोले है ना, कर सचमुच से तो भोले हो, और जब इसको वर दिया करो सोच विचार कर तो वर दो। अब ये काशी राजा मेरे साथ में युद्ध करने के लिए आए और तुम भी उसका साथ दे दिया, मेरे साथ में युद्ध करने के लिए भी तैयार हो जाते। कभी बिक्रासुर आप सुने होंगे हैं, जो बिक्रासुर है, एक दिन नारद से पूछे बताओ तो जगत में ऐसे कौन सा देवता जो सबसे जल्दी खुश होता है, बोले कि भोले बाबा है, इतने जल्दी तो और कोई खुश नहीं होते, शंकर सबसे जल्दी शंकर जी खुश होते। बात उन्होंने क्या किए, शंकर जी की उपासना करने लगे, लेकिन शंकर जी तो खुश नहीं हो रहे। फिर उन्होंने यज्ञ किया, यज्ञ करते करते शरीर तभी शंकर संतुष्ट नहीं हुए, फिर शरीर का मांस को बोटी बोटी कर काट काट कर आग देने लगे, लेकिन तभी शंकर जी खुश नहीं हुए। मतलब अभी भी शंकर खुश नहीं हो रहे, अपना शरीर काट करके देने के लिए तैयार हो गया। आज शंकर जी प्रकट हो गए, परमा को क्या चाहते हो। इतने में उन्होंने देखा शंकर जी की बाप तरफ में पार्वती बड़ी सुंदरी, बोले शंकर जी इतने सुंदर स्त्री को लेकर क्या करेगा, तो दिन भर आंख बंद करके बैठा रहता है, इसको इतने सुंदर सी स्त्री से क्या मतलब है, अब इनको किस तरह से छीना जाए। बोले कैसे, बोले जब तक शंकर रहेंगे हमें मिलेगा नहीं, पहले शंकर जी को मारो। इसलिए शंकर जी बोले बर्मा को, बोले जिसके सर पर हाथ रखूंगा वही जल करके राख हो जाए। शंकर तो बोले बाबा सोचेंगे, आशीर्वाद दे दिए, बोले आप आशीर्वाद दिया परीक्षा कैसे करूं, आप सचना झूठा, बोले आपके सर पर हाथ रख, बोले बर मैंने दिया और मेरे सर पर हाथ रख, वर किसका सर पर हाथ रखे। शंकर तो भागे वहां से और इसको पीछा नहीं छोड़े, शंकर भागे भागे। फिर उन्होंने कृष्ण के शरण में लिए, बोले प्रभु बचाओ प्रभु हमें बचाओ। इतने में कृष्ण प्रकट हो गए बालक बन करके, बोले कहाँ जा रहे हो, बोले शंकर जी वरदान दिया जिसके सर पर हाथ रखे वो कहीं जल करके राख हो जाएगा, अभी मैं परीक्षा करना चाहता हूँ। बोले वो भी एक पागल तू भी एक पागल, दोनों पागल मिल गए। अरे जब से इनको दक्ष प्रजापति ने अभिशाप दिया इनकी बरदान में कोई शक्ति नहीं रह गया, इसलिए शंकर तो जानते मैंने झूठ मूठ बोल दिया और तू अभी परीक्षा करोगे हो भाई, इसलिए तो भाग रहे हैं। अरे अपना सर कहीं चला गया, अपना सर पर हाथ रखो, बोले जल जाएंगे। तो
आगे लेते थोड़ा ऊपर हाथ रखा करो, ऐसे करो। बोले कोई गर्मी आ रही? बोले कोई गर्मी हाथ नहीं। बोले कुछ नहीं होता, बेकार बात है। बोले और थोड़ा नीचे करो। बोले गर्मी आ रही? बोले कोई गर्मी नहीं। अरे बोले कुछ नहीं होता, हाथ रखना। बस हाथ रखा तो वहीं पर जल करके रात हो गया। इतने में शंकर जी प्रकट हुए। तब भगवान ने कहा, शंकर जी जब वर देते हो बड़ी सोच विचार करके ऐसे वर दे देते हो जो कि तुम्हारी ऊपर में विपत्ति पर भागे। हाँ देखो प्रश्न है, फिर शंकर जी जो मांगे क्यों दे देते? अपना बचने के लिए भी रक्षा नहीं करते। रावण को 10 बार सर चढ़ा दिए, फिर शंकर जी को वहीं पर बात कर दी शंकर जी को। इसलिए बोले तुम सोच विचार कर क्यों नहीं देते हो? देखो कारण है, शंकर जी भगवान की सबसे प्रिय भक्त है। भक्तों का पूर्ण विश्वास है भगवान हमें जरूर रक्षा करें, उनको पूर्ण विश्वास ठाकुर जी हमें जरूर रक्षा करेंगे, क्योंकि हम ठाकुर की शरण में, ठाकुर जी की शरण में ठाकुर जरूर रक्षा करेंगे। इसलिए जब जब कोई विपत्ति आए ना, फिर भगवान को फिर बीच में आना पड़ा, फिर शंकर जी को समझना पड़ा। इतने में कृष्ण ने समझाए, कभी भी ऐसे वरदान मत दो। अभी उन्होंने देखा अभी मैं कहाँ पर आश्रय लूं, तो उन्होंने श्री नवद्वीप धाम में उन्होंने आश्रय ग्रहण किया, नवद्वीप धाम में। इसलिए अगर आप लोग काशी जाते हैं ना, शंकर जी का जो मेन स्थान है काशी में, अगर कोई नवद्वीप धाम में जहाँ पर हरिहर एकात्म जो स्वरूप है, वहां पर जो हरिहर क्षेत्र, अगर वहां पर कोई चले जाए ना दर्शन करे, कहते काशी जाने का जो फल है उनको वही मिल जाए वहीं पर। इसलिए नवद्वीप धाम में ऐसे कोई तीर्थ नहीं, ऐसे कोई तीर्थ नहीं जो कि नवद्वीप धाम में विद्यमान नहीं। अभी प्रभु जी एक अच्छे स्थान का नाम बता रहे थे, वो स्थान का नाम बता रहे थे कोल द्वीप, जहां पर हमारे नवद्वीप गए ना, जहां पर हमारा मंदिर है, उस स्थान नाम कोल द्वीप है। कोल मतलब होता है बराह देव, कोल मतलब होता है बराह देव। कहते वो सत्य युग में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था वासुदेव द्वीप। ये भगवान की परम भगत है, उन्होंने श्री नवद्वीप धाम में उन्होंने आराधना की, आराधना की तो प्रभु लीला है ना, हरि अनंत हरि कथा अनंत, भगवान भी नित्य उनके धाम भी नित्य है। इसलिए धाम नित्य होने के नाते सत्य युग में जब वासुदेव विप्र ने भगवान को आराधना की, तब श्री सच्चिदानंद गौर हरि महाप्रभु तो कलयुग में आए ना, सत्य युग में तपस्या कर रहे, भगवान दर्शन दिया ठाकुर जी को, दर्शन दिया। बोले वासुदेव विप्र जब कलयुग आएगा मैं यहीं पर से सच्चिदानंद गौर हरि बन करके आऊंगा और संपूर्ण दुनिया को कृष्ण भक्ति रस में सारा दुनिया को मैं डुबा दूंगा। हैं पृथ्वी में जितने नगर गांव जितने एक दिन ऐसे आएगा, सबके सब खुश होकर के प्रसन्न होकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सत्य जी को उन्होंने बता दिया था मैं यहीं पर महाप्रभु बनकर काम करूंगा। देखो ये जो मेरे चैतन्य महाप्रभु का जो अवतार है ना, ये प्रचंड अवतार, प्रचंड अवतार मतलब क्या, उन्होंने किसी को डायरेक्ट रूप में बताएंगे नहीं हम भगवान। इसलिए महाप्रभु ने षडभुज रूप दर्शन दिलाया किसको, सार्वभौम भट्टाचार्य जी को, उन्होंने षडभुज रूप में दर्शन दिया। मैं वही तृतीय युग में राम, द्वापर युग में कृष्ण और कलयुग में श्री महाप्रभु। बोले देखो मैंने तुमको गुप्त रूप में दर्शन दिया, ये बात किसको बताना नहीं, अगर बताओगे ना चक्र से गला काट दूंगा, महाप्रभु मना कर दिया। उन्होंने केशव काश्मीर को जब उन्होंने उनको परास्त कर दिया, माँ सरस्वती उनको वरदान दिया था, माँ सरस्वती जिसकी जीवा के ऊपर बैठ कर बात करती थी वो खुद नहीं, ऐसे मंत्र उन्होंने जब किया सरस्वती प्रकट हो गई और वरदान दिया पृथ्वी में कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले भगवान जी की जीवा के ऊपर ठाकुर स्वयं देवी सरस्वती बैठी हुई, फिर उनको कौन परास्त कर सकते। उन्होंने जहां जहां गए ऐसे उन्होंने श्लोक बोले जिसकी श्लोक समझना ही कठिन है, क्यों सरस्वती स्वयं बोल रही ना, सारा दुनिया को उन्होंने परास्त करते करते आए। लेकिन जब श्री नवद्वीप धाम में आए, बोले अगर नवद्वीप को अगर मैंने जीत लिया ना, सारा दुनिया मेरी
हाथ की मुट्ठी में आ जाएगी। हाथी घोड़े को साथ में जब चलता था वो जिसको परास्त करता था वही उसका चेला बनता था। हाथी घोड़े को ऊपर बैठी बैंड बजी बजा बजा तुम्हें गाजी बाजे को साथ में जब चलता था ना, जैसे राजा महाराज कोई चल रहे, राजा महाराज जैसे चल रहे। अभी नवद्वीप में तो ढलका बच गई। बोले भैया नवद्वीप का तो गौरव अखूर्ण गौरव है, हैं? अभी तक तो किसने आकर के यहाँ परास्त नहीं कर पाए। अगर ये आकर परास्त कर दिया ना सारे गौरव नष्ट हो जाएगा। मुझे काम करो निमाई पंडित को भेजा दो। बच्चा है ना 14-15 साल का बच्चा। अगर किसी ये कभी कभी हमें ऐसे प्रश्न करता है जिसका उत्तर नहीं दे पाते। अगर यहाँ पर हार गया तो बोले भैया देखो तो छोटे बच्चे को पास में हार गया, हम तो बड़े बड़े। अगर वो अगर हार गया तो हम सोचेंगे बच्चे को पास में हार गया तो बड़े। अगर कोई जीत लिया ना बोले भैया देखो जब इनको बच्चा हरा दिया फिर हमारी क्या बात है, दोनों तरफ से हमारे जीतेगा। इसलिए उनको साथ में उन्होंने भिड़ा दिया और महाप्रभु ने बात बात में उनको परास्त कर दिया। बात बात पर, कोई तर्क वितर्क नहीं, केवल बात बात पर उन्होंने परास्त कर दिया। जब परास्त कर दिया वो इतने लज्जित हो गया। अगर कोई बड़े विद्वान को पास में अगर परास्त होता तो कोई बात होता, एक बच्चा बात बात में हरा दिया। लगता है मैया मेरे ऊपर नाराज है, मैया सरस्वती नाराज है। वो आकर के मैया सरस्वती के मंत्र जप करते हुए सो गया। देखो कितनी अच्छी बात क्या देती है, ये जो ध्यान लेकर सुना। तब महा सरस्वती स्वयं प्रकट होती है, देख बेटा मेरे दो तरह का कृपा है, मैं जिसको वंचना करती हूँ केवल इसी जगत का कुछ डिग्री देता हूँ, एमए पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर बना देता हूँ, लेकिन करता है क्या, दिन भर संसार के चक्र में भटकता रहता है। गधे जैसे दिन भर काम करता है ऐसे दिन भर संसार करते करते वह कदम सार। लेकिन जिसको ऊपर मैं सही कृपा करती हूँ, सरस्वती कहती विद्या का फल क्या है, बोले विद्या का फल है इसका नाम विद्या। विद्या मतलब क्या, ये संस्कृत वर्ड है। बीत मतलब जानना, बोले किसको जानना, बोले ठाकुर को जानना, ठाकुर जी का जानना। अगर मैं जिसको पर सही सही कृपा करती ना उसको लेकर के मैंने ठाकुर जी के चरण तक पहुंचा देती। देख बेटा आज जिसको साथ में तुम्हारी परिचय हुआ है वो मेरे प्रभु है, वो मेरे प्रभु है। इसलिए कभी पति को सामने पत्नी कभी सर उठाकर बात नहीं करती, मैं उनकी पत्नी हूं ना। अब तू जब उनको साथ में तर्क वितर्क करने के लिए गया, मैं तो जीवा में बैठती ना, मैं बोलती थी तो बोलता नहीं था। और मेरे पति को सामने अगर लड़ाई करोगे मैं कभी रह सकती हूँ, मैं वहां से अंतर ध्यान हो गई। अंतर ध्यान हो गया तो तुमने परास्त हो गया, जाओ उनकी शरण में जाओ। विद्या का असली फल है जब भगवत प्राप्ति। फिर जब महाप्रभु के पास में गया, देखो महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले विद्या का फल ये नहीं सारा दुनिया को हरा करके और गाजी बाजे को साथ में घमंडी को साथ में घूमना, ये विद्या का फल नहीं। विद्या का फल वही है जब भगवान के चरण में तुम्हारी प्रेम हो। इसलिए मीरा कहती है ढाई अक्षर पढ़ा सो पंडित सोए। प्रेम जो ढाई अक्षर जिसने पढ़ लिया ना वही असली पंडित है। तो सरस्वती कहती है देख बेटा जब ये शरीर छूट जाएगा ना, ये जितने तुम्हारी पीएचडी एमए डॉक्टर ये सब यहीं रह जाएंगे। अंतिम समय में क्या बोलेंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात उठा ये बोलेंगे ना। बोले जितना राम का नाम कृष्ण का नाम लिया वही जा रहा है, और तुमने जो कुछ किया नहीं छोड़ कर जा रहे, एक सुई धागा भी साथ में नहीं जा रही। इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं ये देह छाड़िया चली ले, जब ये शरीर छूट जाएगी विद्या व पौरुष संगे किच्छु नहीं चले, ये विद्या पौरुष सबके सब यही रह जाएगी। और अंतिम समय में कहेंगे राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा है। जीवन में जो कुछ किया झूठ में बिताया, यहाँ से पत्नी दरवाजा खुल जाएगी, परिवार स्मशान पागे पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो, जितने हरि नाम किया भूल जाएगा भगवान उनको समझाया। इसलिए सारे अभिमान को छोड़, जितने तुम्हारे अभिमान सारे अभिमान को छोड़ करके क्या करो, भगवान की भक्ति करो, भगवान की भजन करो, किसी में शांति सुख है। इसलिए महाप्रभु को दर्शन दिया, सरस्वती स्वयं दर्शन दी और सरस्वती स्वयं बताया देखो ये कौन है, ये गौर नारायण है, भगवान है। लेकिन फिर महाप्रभु कहते हैं बोले देखो ये बात जब तक मैं ये दुनिया में रहूंगा बात इसको बताना नहीं, बोलो वो तो चक्र से गला काट दूंगा।
फिर महाप्रभु ने दर्शन देते तैथिक विप्र को उन अष्टभुज रूप में दर्शन दिया, शंख चक्र गदापद में दोनों हाथ में बंसुरी और दो हाथ में एक में मक्खन और एक हाथ में मक्खन खा रहे, वहां पर महाप्रभु दर्शन दिया। फिर बोल दिया, बोले देखो मैंने तुमको दर्शन दिया, ये बात जब तक मैं इसी जगत में लीला करूंगा तब तक ये बात इसको बताना नहीं, इसलिए महाप्रभु की जो लीला है ये प्रचार न बता रहे, ये छुपा हुआ बता रहे, इसलिए ये बात को सत्य युग में महाप्रभु ये वासुदेव विप्र को बोले, बोले देखो मैं कलयुग में यहीं पर जन्म ग्रहण करूंगा, यहीं पर श्री नवद्वीप धाम में मैं जन्म ग्रहण करूंगा और संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड को कृष्ण प्रेम रूपी बाढ़ में सबको मैं बहाऊंगा, सब लोग प्रसन्न होकर के सुखी होकर के ठाकुर का नाम कीर्तन करेंगे और जीवन में शांति और सुख को प्राप्त करेंगे। सत्य युग में उन्होंने ये बात बता दी, इसलिए कहते कोल दीप, कोल मतलब होता है बढ़ा दे, सत्य युग में वहीं पर जो हिरणाक्ष था है? जो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप थे वहीं पर ही भगवान श्री बरहा अवतार लिया नवद्वीप धाम में, लेकर के वहीं पर उन्होंने श्री हिरणाक्ष को उन्होंने वध किया है, वध किया है, इसलिए वो गुप्त वृंदावन है, वो गुप्त वृंदावन होने का नाते वहां जाने से क्या फल मिलेगा, देखो उस स्थान का सबसे ज्यादा फल कहते वहां पर पंचमणि, बोले पंचमणि कौन है, बोले गंगा जमुना सरस्वती अलकानंदा और श्री गंगा से आया, इसलिए पंच नदी वहीं पर और सप्त समुद्र वहीं पर है, सात जो समुद्र हैं, इको समुद्र, लवण समुद्र, दही समुद्र, दूध समुद्र और मधु समुद्र, घी समुद्र, शराब का समुद्र, कहते वहां पर सात समुद्र है, कहते वहां जाने से ये सात समुद्र जाने का जो फल है ना, कहते वहां जाने पर सात समुद्र जाने का फल वहीं पर मिल जाएगा, वहीं पर त्रिवेणी जो तीर्थराज प्रयाग कहते हैं ना, तीर्थराज जो प्रयाग है, कि तीर्थराज प्रयाग जाने पर जो फल मिलेगा अगर वहां पर कोई चले गए तो कहते तीर्थराज प्रयाग का फल तुम्हें वही प्राप्त हो जाएगी, और वो जो स्थान है बताए भगवान के रास मंडल है, हैं? वो रास मंडल वो स्थान है, इसलिए वहीं पर श्री राधा कुंड श्याम कुंड वहीं पर है, ये गिरिराज गोवर्धन वहीं पर, श्री गिरिराज गोवर्धन वहीं पर है, नवद्वीप कौन कौन गए आप लोग देखना, जब गंगा पार होते हैं ना आप देखना स्पष्ट रूप में देखना दो नदी एक साथ में बह रही है, एक तरफ में पानी देखने में नीला और एक तरफ में पानी देखने में सफेद और दूसरे तरफ में गंगा जमुना सरस्वती, आप देखना दोनों तरफ में स्पष्ट रूप में जब नदी पार होते हैं ना आप देखो दो नदी ऐसे एक साथ में दो नदी जैसे वहां पर प्रवाहित हो रहे, इसलिए कहते वहां पर जाने से पृथ्वी का जितने सारे तीर्थ है वहीं पर कितना सारे तीर्थ बारंबार गंगा सागर एक बार वहां पर जाने पर गंगा सागर वहां पर है, जहां पर चंपक घाटी जाते हैं ना समुद्रगढ़ वहीं पर श्री गंगा सागर वहीं पर गंगा सागर वहां जाने पर गंगा सागर करने का फल आपको वहीं प्राप्त हो जाएगी, इसलिए कहते ऐसे कोई तीर्थ नहीं, इसलिए शंकर जी कहते हैं ना पार्वती विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे तीर्थ है तुम कर रहे बार पार्वती जाओ, लेकिन एक बार कोई श्री नवद्वीप धाम में केवल परिक्रमा कर ले उसको सारे तीर्थ जाने का फल उसको वही प्राप्त हो जाते, इतने महिमा श्री नवद्वीप धाम की, बोले श्री नवद्वीप धाम की जय, बोले श्री सचिन नंदन गौर हरि की जय। इसलिए वहीं पर अब लोग गए होंगे, अब देखना जब वहां एक बहुत बड़ा मैदान है ना जहाँ पर हम बैठ कर कथा करते हैं, वहां जाने से पहले देखना वहां पर प्रौढ़ माया है, कहते प्रौढ़ माया जोग माया देवी का दर्शन होता है, जोग माया प्रौढ़ माया, प्रौढ़ माया मतलब क्या, पुरानी माया सबसे पुरानी, इसलिए भगवान की है एक ही शक्ति उसका दो प्रकाश है, एक रूप में वो जोग माया और एक रूप में वो महामाया है, एक रूप में मूल स्वरूप में वो जोग माया उनकी प्रकाश महामाया, लेकिन ये सब कहां से आए, बोले राधा रानी, जो मूल शक्ति भगवान की जो स्वरूप शक्ति जो धादिनी शक्ति जो पराशक्ति है वो कौन है, ये श्रीमती राधा रानी, यही मूल माया,
ये जितने मायापुर की सब के सब उनकी प्रकाश है। कहते एक स्वरूप में तो ये माया जीव को संसार के बंधन में डालती है, लेकिन दूसरे स्वरूप में जीव जो भगवान को भूल जाते हैं, ठाकुर जी को भूल जाते हैं। अब लोग मथुरा गए, मथुरा नहीं गए, वहां पर गुरुदेव ने एक बड़े सुंदर है एक छवि बनाया, एक सुंदर छवि, बड़ा अद्भुत छवि बनाया गुरुदेव ने। वहां पर दिखा आप एक तरफ में पूरा अंधकार अंधकार है, घोर अंधकार, और उधर से भालू सर्प भूत पिशाच डाकिन साकिन प्रेत एक तरफ में है, लेकिन उस तरफ में के माया खड़ी है, और दूसरे तरफ में दिखा है अपना प्रकाश प्रकाश, और सीधा रोड जा रहे हैं गोलोक वृंदावन ठाकुर जी के पास में। इधर एक साधु खड़ा हुआ और बीच में एक आदमी खड़ा हुआ, वो जो माया है ना, कहते भैया इधर आ जा, बड़ा आनंद है, इधर आ जा इधर आ जा। लेकिन उधर एक साधु खड़ा हुआ बोले खबरदार उधर मत जाना, देख रहे हो अंधकार कैसे भूत पिशाच हैं, कैसे वहां पर डाकिन साकिन, और वहां पर कैसे हम बाघ चित्ते कैसे खड़े हुए, जाओगे ना जिंदा अंधकार में खा जाएंगे। देख इधर प्रकाश प्रकाश, सीधा जो रोड है ना वो भगवान पर गया ठाकुर जी का। अगर तुम इधर आओगे पूरा ठाकुर जी के पास में जाओगे, जहाँ आनंद आनंद है, जहाँ पर आनंद आनंद ही है। अभी दोनों तरफ में दोनों बुला रहे, अभी जो बीच में जो खड़ा हुआ अभी सोच रहे भैया जाऊं तो किधर जाऊं, हैं कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है, दोनों तरफ में देखता रहता है किधर जाऊं। लेकिन देख रहा है अगर इधर जाएंगे तो दुख ही दुख है, लेकिन अक्सर करके प्राणी को माया का तरफ में ही चला लगाती है। बोले भैया क्यों, वो तो देख रहे इसमें दुख ही दुख है, जैसे सोने का कल से लेकिन हाथ डालो ना उसमें जहरी जहर है, उसमें जहरी जहर है, लेकिन उस उधर ही छलांग लगाते हैं, लेकिन जिधर प्रकाश उधर जाता नहीं। बोले क्यों नहीं जाता, कारण क्या? बोले कारण है जो जीव शक्ति है वो बहुत छोटा है, लेकिन जो माया शक्ति है ना वो बड़ी है, वो आसानी से ही उसको दबोच लेती है, आसानी से उसको दबोच लेती है। बड़ी विरल व्यक्ति जो भगवान की तरफ में आकृष्ट होकर के सीधा ठाकुर जी की सेवा में चले जाते हैं और जीवन में आनंद आनंद में रहते हैं। इसलिए जीव जब भगवान को भूल जाता है फिर माया क्या करती है, बोले संसार का भोग करोगे, ठाकुर का सेवा नहीं करोगे, विषय भोग करोगे, देख ले मजा कैसे। उसने उनको जो बहिरंग का शक्ति वो उसको दो चोला बना देती, दो उसको पोशाक पहना देती है। बोले क्या पोशाक है, पहले एक पोशाक है जिसको कहते हैं मन बुद्धि अहंकार चित्त, जिसको सूक्ष्म शरीर है, जो शरीर हमें दिखता नहीं, ध्यान देकर सुनो बहुत अच्छी बात है, जो जो चीज हमें नहीं दिखती है मन बुद्धि अहंकार चित्त है, लेकिन वो क्या दिखती है हमें, लेकिन है कि नहीं है ना, है। ये पहले उसको ढक दिया, उसको ऊपर में और एक शरीर दे दिया आवरणात्मक, जिसको स्थूल शरीर, ये शरीर, ये शरीर दे दिया। इसलिए आत्मा के ऊपर दो कवर लगे। अगर हमें पूछा जाए आप कौन हो, लेकिन जीव कौन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, हम ठाकुर का संतान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अगर किसको पूछे कोई बोलेगा हम भगवान की संतान, अरे मेरा नाम ये है, मेरी ये बीवी है, मेरी ये बच्चे हैं, ये मेरी दुकान, ये मकान, ये सब माया है। माया मतलब क्या, जो जो चीज है नहीं उसको है बोलना, यही माया। माया मतलब हम करना माया 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 मतलब क्या, जो चीज है नहीं उसको तुम है कह रहे हो। बोले कब से भैया ये परिवार तुम्हारे बने, ये जन्म से पहले तुम्हारी कोई थे, मरने का बाद कोई रहेगा, तुम्हारे पिताजी के माताजी माताजी गएगी ना, सब गए कि नहीं, जब गए ना वो रोते तो क्यों कर रहते नहीं, क्यों गए सबके सब, एक दिन हम भी जाएंगे कि नहीं, एक दिन हम भी जाएंगे, सारे सब चित्र बितर हो जाएंगे एक दिन सारे को सारे। लेकिन हम परिचय क्या दे रहे हैं, ये शरीर का परिचय दे रहे हैं। बोले क्यों, बोले माया हमें भगवान से पकड़े और इतने जोर से हमें फेंके, पूरा के पूरा हम ठाकुर जी को भूल करके दुनिया में आए। लेकिन वो माया क्या करती है, बोले भगवान की सेवा नहीं करोगे ना, है तो ये माया हमें जैसे कुछ जेल में डाल देते हैं ना, जैसे कोई चोरी कर उसको जेल की संसार किया, दुखालय दुख संसार दुख का घर है संसार, कोई तन से दुखी
कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी। देखो ना, दुखी दुखी संसार में। बोले ये दुख क्यों दे रही है? बोले भगवान को भूल गया ना, संसार भोग कर देख ले, मजा देख ले। हाँ, अगर ये जीव ये दुख में पड़ कर, ये भी उनकी कृपा है, वो भी उनकी कृपा है भगवान ने। क्यों? जब दुख ही दुख मिलेगा, हरे बोलेगा भले हमें वो संसार नहीं चाहिए, सभी के लिए हम इतना किया और लास्ट में हमारे साथ में ही बच्चा बात नहीं सुनता, वो बात नहीं सुनते, बेटे बात नहीं सुनते, दुनिया हमारे जिनके लिए हमने जिंदगी दे दिया वही हमारी बात नहीं सुनते। फिर जब वो इस संसार का दुख में जान करके अगर ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी अभी माफ कर दो, अभी तेरे भजन करेंगे, तेरे भक्ति करेंगे, अभी हम ये माया से निकाल दो। हाँ, जब फिर जी फिर भगवत शरण में आता है ना, फिर वही जो महामाया थी, फिर वो जो माया बन जाती है। क्या करती है वो? फिर वो जो माया बन जाती है। समझ गए ना? अभी समझ गया ना? जेल में किसी दुख कष्ट है, इसलिए क्या करो, फिर जो माया बन करके भगवान को साथ में जोड़ देती है, वही फिर भगवान को साथ में जोड़ देती है। जब जोड़ देती है फिर जीव क्या करता है? फिर भगवान की भक्ति करना शुरू करता है, भगवान की भजन करना शुरू करता है। जब भजन करता है, पहले तो माया उसको दबोच लिया था, माया उसको दबोच लिया था, इसलिए माया में पड़ा। लेकिन जब ठाकुर के शरण में जाते हैं ना, बल कृष्ण तारे देवता चित शक्ति बल माया आकर्षण छाड़ी हयात बल। जब भगवान उसको अपना चित शक्ति की बल देते ही धीरे 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 जब माया की जो आकर्षण धीरे 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 कम होते जाता है, धीरे धीरे उसकी कम होती जाती है। क्यों? भगवान उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठाकुर जी उसको भी, ठाकुर जी सपोर्ट कर रहे हैं, उसको भी ठाकुर जी शक्ति दे रहे हैं। फिर धीरे धीरे माया शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है, फिर भजन करते करते कहाँ चली जाती है? ठाकुर को भी चली जाती है। इसलिए नवद्वीप धाम में इसलिए उनका नाम प्रौढ़ माया, प्रौढ़ माया मतलब प्रौढ़ मतलब पुराना है, सबसे पुराना है। इसलिए ये उसी जोग माया और इनकी कृपा से जीव धीरे 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 भगवान चरण को प्राप्त करती है। इसलिए कहते भगवान की लीला को जो पुष्टि करने वाले कौन है? बोले यही जोग माया है, यही जोग माया। वहां पर दो माया है, कहते एक है वृंदा देवी है जो कि भगवान की मधुर लीला को पुष्ट करती है, और एक है उनकी जो ये जोग माया जो भगवान को क्या करती है, उनकी लीलाओं में मदद करती है। बोले भैया इसने क्या प्रभु को लीला में क्या मदद करती है? ये कहते भगवान की एक मधुर लीला में एक मदद करती है वृंदा देवी, और जो वैसे जो लीला में मदद करती है श्री जोग माया। बोले कैसे? पूर्णमासी कैसे? बोले कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? कृष्ण कौन है? भगवान है ना? कृष्ण भगवान है ना? कृष्ण भगवान। लेकिन अगर कृष्ण को हर समय ये याद रहेगा मैं भगवान हूँ, फिर उनकी लीला होगी? मैया जशोदा अगर मक्खन खाए ना, मैया सीधा जाकर कान पकड़ती। अगर कृष्ण मिट्टी खा लिया ना, कृष्ण मैया जाकर सीधा कान पकड़ती। बोले अपवित्र तेरे, तुमने ये मिट्टी खाई तुमने, और अभी अभी मैंने तुमको स्नान कराया, श्रृंगार करवाया, सब कुछ कराया, और मिनट में सारे श्रृंगार बिगाड़ दिया, और मिट्टी कीचड़ में सारा शरीर को तुमने पोत दिया, एकदम दोनों को कान पकड़ लेती, कृष्ण बलराम को दोनों कान पकड़ लेती। और कृष्ण डर जाते, बोले मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सखा लोग कह रहे हैं, बोले सब झूठे हैं, ये सब कैसे झूठे हैं मैया, आज क्या हुआ तेरे को पता? बोले क्या हुआ? बोले ये घर से चोरी करके लड्डू कचौड़ी मालपुआ मिठाई लाते हैं, और भैया तेरे को पता है मैं कभी चोरी का चीज खाता है? बोले हाँ, अच्छे तरह से पता, तू करता है क्या नहीं करता? बोले चोरी का चीज नहीं खाता, ये जोर जबरदस्ती किया मैं चोरी का चीज खा, और मैंने नहीं खाया ना, समझ गए? ये तो खाया नहीं, घर में चुगली करेगा, सबके सब खाए, कोई बोलेगा नहीं चोरी चोरी कर लाए ना, लेकिन इसने खाए नहीं, इसलिए घर में जाकर चुगली करेगा, और मैं चुगली करने से पहले मेरे नाम पर चुगली कर दिया, और इनकी बात में तो आ गई। इसलिए कृष्ण कहते हैं जो माया क्या करती है, कृष्ण जो भगवान है उनको भुला देती है, इनको भुला देती है। जैसे मैया जशोदा कृष्ण को उखल में बांधती, अगर कृष्ण को, अगर मैया तो कोशिश की बांधने के लिए सवेरे से शाम तक कोशिश की, लेकिन उन्होंने बांध नहीं पाई, उनको उन्होंने बांध नहीं पाई, लेकिन कृष्ण कृपा करके बंधन को स्वीकार किया। क्योंकि जिसका बाहर नहीं जिसका भीतर नहीं, थोड़ी उसको कोई बांध सकते हैं, उसको तो बाहर भी नहीं उसका भीतर नहीं, फिर बांधे कैसे भगवान को, कोई बांध नहीं सकते। लेकिन मैया ने उनको बांध दिया। अगर कृष्ण को ये याद रहता
मैं भगवान हूँ, मेरे को कोर बांध सकते हैं, बांध करके दिखा दे, बांध करके दिखा दे, फिर भैया मैं बांध नहीं सकती। जैसे कृष्ण सखाओं के साथ में युद्ध करते हैं, श्री राम के साथ में मल्ल युद्ध करते हैं, मल्ल युद्ध करते 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 कृष्ण को श्री राम पछाड़ देता है और कृष्ण एकदम ऐसे एकदम पीछे उनको पीठ लग गया और सिद्धार्थ बैठ गया उनका छाती के ऊपर, बोले कन्या तू हार गया, तू हार गया। इतने में कृष्ण ने बोला भैया मैं कहने कैसे हार गया, बोले अभी तेरा पीठ नीचे लग गया ना इसलिए तू हार गया। बोले किसका नाक ऊपर देखो, हम कहते ना तेरा नाक नीचे कर दूंगा। बोले किसका नाक, कृष्ण ऐसे पड़े है ना, कृष्ण का नाक ऊपर, सिद्धार्थ उसको ऊपर में, नाक नीचे। बोले तू हार गया ना, मैं हार गया, बता तू हार गया ना, मैं हार गया। कहते यहाँ पर कृष्ण को अगर याद रहे मैं भगवान हूँ, फिर तो कृष्ण कोई परास्त कर सकते हैं, कोई नहीं परास्त कर सकते हैं कृष्ण को, क्यों, वो भगवान है। लेकिन ये जो माया क्या करती है, कृष्ण जो भगवान है उसको भुला देती है, कृष्ण को तो भुला देती है। इसलिए कृष्ण गोपियों को चरण में माफी मांगते हैं, राधा रानी मान करना उनके चरण में कृष्ण गिर जाते, राधे तुमने क्यों मान के, मान छोड़ दे राधे, हैं मान को तो छोड़ दे। इसलिए अगर उनको ये याद रहेगा मैं भगवान हूँ, भैया आपको कौन परास्त कर सकता है दुनिया में, कोई परास्त कर नहीं सकते। इसलिए इनकी जो योग माया है ना, कृष्ण की भगवता को भुला करके उनको ऐसे लगता है मैं साधारण बालक हूँ, किस सखा को कोई फल मिल गया, पहले सखा खा लिया, जैसे पेड़ से फल तोड़ना है ना, पहले तीन चार सखा खड़े हो गए, उसके ऊपर में और दो तीन सखा, उसके ऊपर और एक, और कृष्ण नीचे एक सखा फल तोड़ा, पहले खा लिया, बोले फल भैया बड़ा मीठा है, उसको नीचे आया वो भी एक बार खा लिया, उसको नीचे आया एक बार, जब कृष्ण नीचे आए ना पूरा गुठली आया, कुछ नहीं, कृष्ण गुठली खा गए थे, भैया फल तो बड़ा मीठा फल है। अगर कृष्ण को पता चलता मैं भगवान, उनका झूठा खाएगा कृष्ण, कृष्ण का भी खाएगा। इसलिए कृष्ण का जितने ये मधुर लीला है कृष्ण की, हैं कभी सब के सब ये योग माया उनकी सारी भगवता को भुला देती है, जब जरूरत है उनको याद कराती है, जब जरूरत नहीं उनको उन्होंने भुला देती है। योग माया सारे भगवान की लीलाओं को पुष्टि करती है और इनकी कृपा से जीव भगवान का चरण तक जीव पहुंच सकते हैं। अगर इनकी कृपा नहीं होना ये जीव कभी ठाकुर को तक कभी जीव पहुंच नहीं सकते हैं। इसलिए वहां पर योग माया के मंदिर अब गए कि नहीं, विशाल वृक्ष है, कितने बड़े बट वृक्ष देखा कि नहीं, कितना विशाल बट वृक्ष वहां पर है। ये प्रभु माया योग माया है, ये क्या करती है, जैसे प्रभु जैसे मीठी मीठी लीला करते हैं, अगर ये धाम में कोई उल्टा पुल्टा व्यक्ति प्रवेश नहीं कर पाए, धाम में कोई उत्पाद नहीं कर पाए, इसलिए उसके पास में शंकर भी है, हाँ खेतरपाल की शंकर जी, इनका नाम वृद्धा सिंह, वृद्ध मतलब पुराना, हाँ ये पुराना सिंह, पुराना सिंह मतलब क्या है, यही सदाशिव है। वहां पर धाम को ये योग माया सदाशिव धाम को चार तरफ में रखा करते हैं, प्रभु की लीला में कोई व्याघात नहीं आ जाए। और वहीं पर एक बाबा का भी समाधि है, किसका समाधि है, हाँ श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज का, उनकी वहीं पर समाधि मंदिर भी उनकी वहीं पर है। इसलिए इनको बताया वैष्णव गौर आविर्भाव मिष्टम निर्दिष्टा स्वजन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ है, जब इनका प्रणाम मंत्र है। यदि ये कौन है कि जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, बोले महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जब जन्म हुए थे, धीरे 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 क्या हुआ आपको पता होगा, सारे मुसलमानों ने जितने हमारे हिंदू मंदिर सबको तोड़फोड़ खड़ा करके सब सत्यानाश कर दिया, जैसे राम मंदिर है, जैसे जन्मास्थान है, काशी विश्वनाथ, ये सबको तोड़ फोड़ कर सब बर्बाद कर दिए। इसलिए उसका नाम मायापुर, लेकिन उसका नाम रख दिया मियापुर। जैसे अभी सारी दुनिया में जितनी सब जगह को सब उल्टा पुल्टा सब मुसलमान सब हिंदू नाम को उन्होंने हटा दिया, हटा कर उन्होंने सब जैसे मुसलमान नाम पर नाम रख दिया, वो मायापुर प्रभु का धाम को उन्होंने मियापुर रख दिया, हाँ मियापुर रख दिया। श्री भक्तिविनोद ठाकुर है स्वानंद सुखद कुंज, एक दिन छत के ऊपर बैठ करके एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।
मर्जी और कहते हैं और वो सो जाते थे वो सवेर जो रात को ना 8 बजे सोते थे लेकिन उठ जाते थे कितने बजे वो उठ जाते थे 12 बजे 12 बजे 8 बजे सो करके 12 बजे उठ जाते थे उठ करके और भजन करते थे हरिनाम करते थे हरिनाम करते करते पास में कागज और पेन रहता था हरिनाम करते करते जब उनके हृदय में जो चीज़ स्फूर्ति होती थी उन्होंने वहीं पर ग्रंथ लिखते थे जितने ग्रंथों को उन्होंने वहीं पर बैठ करके लिखे। एक दिन वहां पर बैठ करके भजन कर रहे थे भजन करते करते उन्होंने देखा एक बहुत बड़ा लाइट वहां पर। बोले भैया इतना बड़ा लाइट कहां से आया? तो देखते रहे। अरे उन्होंने दूसरे दिन गए इतना लाइट कैसे? जब दूसरे दिन गए उनको कुछ मिला ही नहीं। बोले यहाँ पर तो बहुत बड़ा लाइट दिख रहा था, कुछ तो है नहीं। फिर दूसरे दिन जब फिर छत के ऊपर बैठ गए हरिनाम कर रहे थे फिर देखा अगर बहुत बड़े लाइट चल रही है। बोले भैया इतने बड़े लाइट कैसे? फिर उन्होंने दूसरे दिन गए उन्होंने मार्क किया यहाँ पर किया है देखा वहाँ ताल की पेड़ है बहुत बड़ा वृक्ष है। जब वहाँ पर जाकर के देखा वहाँ पर केवल तुलसी वृक्ष और कुछ है नहीं केवल तुलसी वृक्ष। तो वहाँ पर कुछ मुसलमान लोग थे। बोले भैया यहाँ पर तुम लोग कोई खेती क्यों नहीं करते? ये तुलसी वृक्ष तुलसी पेड़ की। बोले बाबा हम जो कोई यहाँ पर बीज बोते हैं ना जो कोई पेड़ बीज बोते हैं वहाँ पर सबके सब तुलसी वृक्ष आ जाती है और कोई पेड़ ही आती नहीं कोई भी बीज बोए वहाँ तुलसी वृक्ष आ जाता है। फिर भक्त विनोद ठाकुर समझ गए ये गुप्त वृंदावन। क्या नाम? वृंदावन। वृंदावन मतलब क्या? वृंदावन मतलब तुलसी, वन मतलब वन। ये तुलसी का वन है मतलब यहाँ पर तुलसी वन मतलब जो कुछ वो तुलसी वृक्ष आता मतलब क्या? ये वृंदावन है तुलसी का वन है और वृक्ष कैसे आएगी? फिर उन लोगों ने कहा बाबा हम तो रात में यहाँ पर कोई नहीं आते। बोले क्यों? बोले रात में यहाँ पर बड़े बड़े भूत आते हैं। रात में यहाँ पर भूत लोग आते हैं और रात भर ना यहाँ नाच कूद करते हैं हई 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 करते करते शाम होते ही यहाँ पर कोई नहीं आते। मतलब है अभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु का लीला नित्य है। अभी भी श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आते हैं और अपना परिकरों को साथ में हरी हरी नहीं हरी बोल बिताई गौर ब्रह्मानंद। इसलिए यहाँ पर अभी भी ठाकुर जी लीला करते हैं ये लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए तो भक्त विनोद ठाकुर ने समझ गए भैया ये तो महापुरुष का धाम महापुरुष यहीं पर जन्म ग्रहण किए थे। फिर श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज उस समय बड़े सिद्ध बाबा थे त्रिकाल दृष्टा और उन्होंने सबसे ज्यादा दिन तक 140 साल ना कितना साल तक उन्होंने रहे इतना साल किसने रहे इतने साल इनका पढ़ो है ना देखो एकदम वृद्ध हो गए थे ना एकदम वृद्ध हो गए एकदम उनकी जो 140 साल तक रहे ना करकरी इसलिए एकदम पूरा टेढ़े हो गए थे हैं। इसलिए इनको ले जाने के लिए इनका के सेवक था जिनका नाम था बिहारी भैया को ले जाए के एक टोकरी में बैठा करके इनको सर पर रख करके इनको ले जाते थे टोकरी में रख करके। फिर भक्ति विनोद ठाकुर इनको ले करके वहीं पर गए। जब यहीं पर गए इतनी उम्र में जो खड़े नहीं हो सकते थे हाँ जब देखते थे ना आग का पत्ता एकदम झूल गया था उसको ऐसे उठा करके देखते थे। जब उनको वहीं पर लेकर गए फिर उन्होंने तो हाथ उठा करके छलांग लगा कर चार पांच हाथ छलांग लगा करके उन्होंने वहीं पर नृत्य किया। पर यही मेरे श्री सचिन नंदन गौर हरि का यहीं पर जन्म स्थान यहीं पर महाप्रभु जन्म हुई यहीं पर जन्म हुई जोर जोर से नाचे सचमुच से। वहां पर जब श्री भित्ति खनन की गई नीम खोदे तो वहां पर जो जगन्नाथ मिश्र महाप्रभु का जो पिताजी थे जगन्नाथ मिश्र एक अध्यक्ष जो मूर्ति था जिसको जगन्नाथ मिश्र ठाकुर को ही पूजा करते थे
हैं, उनको भोग लगाया करते थे, उनकी सेवा पूजा करते थे। इतने बड़े उसमें कभी इस बार नवद्वीप जाओगे तो जब मायापुर नवद्वीप में जाएंगे ना, देखना वो ठाकुर जी को अंदर से ला करके सामने रखते हैं। देखना इतना बड़ा ठाकुर, महाप्रभु का समय में महाप्रभु जिसको पूजा करते थे, उनको पिताजी जो पूजा करते थे, वो विग्रह जब उन्हें नीम खोदे, वो नीम खोदे तो वहीं से वो ठाकुर जी वहीं से प्रकट हो गए। तो पता चला भैया ये जो स्थान है यहीं पर श्रीमन महाप्रभु ने जन्म उन्होंने यहीं पर किया था। वो जो बाबा थे वो बड़े सिद्धिदाता, यहीं पर बैठ बैठ के सारी बात बता देते थे, बैठ बैठ कर क्या पर क्या हो रही नहीं हो रही ना, वहीं पर बैठते थे सारे बात वहीं पर बोल देते थे। देखो इनका एक दो सिद्धता को देखो, बोले इनका जो सेवक बिहारी वो अनपढ़ है, वो स्कूल कभी गया नहीं। पहले लोगों तो ऐसे होते थे ना, इतना तो पढ़ाई लिखाई होता था, माता पिता कभी जाते थे नहीं, वो एकदम अनपढ़ है। एक बार उन्होंने सुना मार्केट में कहते श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ, महाप्रभु का चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है, तो उसने कहा बिहारी जाओ ये पैसा लेकर के जाओ, एक चैतन्य चरितामृत ग्रंथ ले जाओ। तो उन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ ले आया, बिल्कुल पढ़ो और मेरे को सुनाओ। बोले गुरु जी हमने तो पढ़े ही नहीं, हम तो स्कूल गए ही नहीं। बोले खोल तो, बोले ग्रंथ तो खोल दे। तो उन्होंने पत्ते को उन्होंने खोले, पन्ने को खोले, बोले पढ़ अच्छे तरह से दे। बोले वो सिद्ध बाबा थे ना, हाँ एकदम सिद्ध बाबा थे, इसलिए ये देखो उनकी कैसे उनकी शक्ति। बोले पढ़ देख, खोल कर देख उसको। जब सचमुच से खोल कर तो पढ़ने लगे, पढ़ने शुरू कर दिया। और जो चैतन्य चरितामृत ग्रंथ है ना वो संस्कृत में उसमें टीका, और संस्कृत ज्यादा श्लोक है जो प्यार बड़ा कठिन है चैतन्य चरितामृत, लेकिन एक अनपढ़ लोग उनकी ऐसे शक्ति उन्होंने संचार की, उन्होंने पूरा का पूरा चैतन्य चरितामृत पढ़ करके पूरा का पूरा बाबा को सुना दी। ऐसे सिद्धिदाता थे। एक समय ये नवद्वीप में रहते थे, अभी सारा दुनिया में पता चला जो बाबा है ना बड़ा सिद्धि बाबा, हाँ ये बड़े सिद्धि जानते हैं। एक समय अच्छे अच्छे कुछ लिखे बड़े लोग, हाँ उस समय मंत्री पत्री कुछ लोग आए बाबा के पास में। इतने में बाबा ने पूछा भैया तुम लोग क्यों आए हो? बोले बाबा हमने सुना है आप तो बड़े सिद्धिदा जानते हो, है बड़ा सिद्धा जानते हो, बड़े सिद्ध बाबा है। जब उसने इतने बोले उसको पास में एक डंडा था, वो डंडे को उठाया और जमीन पर दे मार। इतने में वो जो मंत्री लोग आए थे ना बड़े, बोले भैया बाबा को आज तो बड़ा क्रोध आ गया, बाबा तो आज बड़े क्रोधित हो गए, क्या बात है? बोले बाबा इतने क्रोधित क्यों हो गए? देखो वो क्या कहते हैं, बोले तुम लोग आए थे ना सिद्धाई देखने के लिए। बोले क्या सिद्धाई? उन्होंने बोले श्री वृंदावन में, वो कहाँ पर नवद्वीप में जहाँ परिक्रमा हम करने जाते हैं, और वहां पर बोले श्री वृंदावन में हम लोग जाते हैं ना परिक्रमा करते करते, जहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर का जहाँ पर भजन कुटीर है, उसको क्या कहते हैं बोलो? हाँ वो जो स्थान है खैरा, कहते खैरा वहां पर, कहते श्री लोकनाथ दास बाबा जी महाराज का एक तुलसी बगीचा थी, हैं? वो तुलसी बगीचा में किया हुआ कुछ बकरी उसका अंदर में चली गई और बकरी तुलसी पेड़ को खा रहे थे। बोले मैंने यहां से उनको भगा दिया है। बैठे कहां पर? नवद्वीप में। ये तुलसी बकरी कहां पर? कहते वृंदावन में। और वहीं पर बैठ कर डंडा नीचे मारे, डंडा नीचे नहीं मारे, वो बकरी को मार करके कहां नवद्वीप और वृंदावन में, कहां कलकत्ता और यहां पर बकरी को भगा दिया। तो उन्होंने टेलीग्राफ किया भैया देखो तो ऐसे ऐसे घटना है, सचमुच से कुछ हुई है। बोले हाँ यहाँ पर बकरियों का कुछ शरीर में जो ये होता है लोम होता है केस यहाँ पर पड़ा हुआ, ऐसे लगता है कोई बकरी यहाँ पर तुलसी खा रहे थे, किसने उनको मार मार कर भगाया, लेकिन बैठे नवद्वीप में और वृंदावन के बकरियों को भगा रहे। बोले ऐसे ये बाबा सिखाई इनको पास में ऐसे था। अभी कुछ ऐसे संप्रदाय का लोग है वो क्या कहते हैं? बोले देखो ये जो भगवान का जो नाम है ना, ये जो हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे, कुछ लोग ऐसे कुछ सहजिया कुछ लोग है जिनका फिलोसफ नहीं ये, वो कहते निताई जप हरे कृष्ण हरे निताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्ण हरे राम, कहते देखो ये हरे कृष्ण महामंत्र को केवल जप करनी चाहिए, इसको केवल जप जोर से नहीं बोलनी चाहिए, जोर से नहीं बोलनी चाहिए, निताई गौर नाम को जोर से बोलो और हरे कृष्ण महामंत्र को धीरे धीरे बोलो।
कुछ लोगों का ये कुछ मतवाद वहां पर, लेकिन वो कहते नहीं ऐसे नहीं। इसलिए भगवान का जो नाम है हरिदास ठाकुर महाप्रभु, इनका नाम नामाचार्य हरिदास ठाकुर है। नामाचार्य मतलब जो नाम का आचार्य है, सोई ब्रह्मा और श्री प्रहलाद मिल कर किया है, ये नाम के आचार्य है। इसलिए ये तीन लाख हरिनाम करते थे, ये तीन लाख हरिनाम करते थे। जब एक दिन उनको पूछा किसी मुसलमान ने, बोले भैया हमने सुना भजन को मन मन में करने के लिए तो जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे, तू तो चिल्ला चिल्ला कर रहे हो, सारा दुनिया को सुना रहे हो और बड़ा भगत बन गए हैं, ये चिल्ला चिल्ला कर क्यों कहते हो, अरे मन मन में करो ना। देखो उन्होंने क्या आंसर देता, बोले ये बताओ एक व्यक्ति कमा करके खुद खाना है, लेकिन एक व्यक्ति कमा करके पूरा परिवार को खिलाते हैं, बताओ दोनों में बड़ी कौन, बोले जो पूरा परिवार को खिलाते हैं। कहते उसी तरह जो व्यक्ति मन मन में हरि नाम करते हैं वो अपना कल्याण करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति जोर जोर से करेगा जैसे पेड़ लता पशु पक्षी, ये भगवान का नाम नहीं ले सकते, ठाकुर का नाम नहीं ले सकते, लेकिन जब हम जोर जोर से हरि नाम करते हैं पशु पक्षी लता पता पेड़ पौधा, उनकी कानों में भी ठाकुर जी का नाम उनकी कानों में भी प्रवेश करते हैं, जब प्रवेश करते उनका भी ठाकुर कल्याण, भक्त ठाकुर जी कल्याण करते हैं। इसलिए उन्होंने पुराण से एक श्लोक उठा कर बोले, बोले जब तो हरि नामा निस्थानी सत गुणाधिक, उन्होंने बताए मन मन में हरि नाम करने में जो आपको फल मिलेगा, अगर कोई उच्च स्वर से हरि नाम करेगा तो 100 गुण ज्यादा फल मिलेगा, 100 गुण इतने इतने लाभ है। इसलिए हम लोग जो नगर कीर्तन में जाते हैं ना एकादशी का, एकादशी का नगर कीर्तन में इसको इतने महिमा गुरुजी उदाहरण देते थे, जैसे कि पत्थर उठा पानी में फेंको फिर उसमें लहरी आती है ना, फिर दो बार आएगा फिर तीन बार आएगा। जब हम जोर जोर से हरि नाम करते हैं महाप्रभु क्या करते थे, वो भजन गाते हैं ना, ओ दिला दिज मनी गोरा अमनी जागे भक्त समूह लैया साथे गेला नगर ब्राजे काथई पाजल लोग पहले क्या करते थे, सवेरे उठ कर भजन कीर्तन पूजा ठाकुर का ये करते ना, लेकिन जितना दिन बढ़ते जाएगा ना शरीर में रजोगुण आना, रजोगुण आना शुरू हो जाता है, हर दूध आना बच्चों को स्कूल भेजना ये करके काम कर देना, मन इधर उधर भटकने लग जाए, फिर भजन में मन नहीं लगी दूसरे चीजें मन लग जाती है। इसलिए नियम है भजन कैसे करनी चाहिए सवेरे। इसलिए सुना ना भक्तिमन ठाकुर क्या करते थे, 8 बजे खा कर सो जाते थे और 12 बजे उठ जाते थे, रात भर भजन करते थे। हमारे बड़े गुरु जी भी ऐसे ही, भले कितने बजे क्यों नहीं सोए 2:30-3 बजे उठ जाएंगे और माला लेकर बैठ जाएंगे, बैठ करके 1 लाख हरिनाम पूरी करके फिर क्या करेंगे, फिर जाकर कोई काम करते ठीक है ना। इसलिए नियम है भजन सवेरे, भजन सवेरे करनी चाहिए, सवेरे सवेरे भजन, मन अपने आप भजन में, आप देखना मन अपने आप भजन में लगेगा, जितना दिन उठ जाए भजन में मन नहीं लगेगा, दुनिया में मन लग जाए, मन तुम्हारी दुनिया में लग जाएगी। इसलिए कोशिश करना कैसे नहीं उल्टा पुलटा चीज टीवी में देखते रहो, 1-2 बजे सोए और उठे 8-9 बजे इस तरह से मुँह हाथ धा करके फिर काम चले, नहीं ऐसे नहीं होनी चाहिए, टाइम पर सो करके टाइम पर उठो सवेरे, कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा सवेरे भजन करने के लिए, फिर दिन भर तो अपना काम आना, फिर
इसलिए देखना सवेरे जो इंप्रेशन रहता है ना छाप, तो दिन भर वो छाप रहे। सवेरे अगर उठते ही चाय चाय नहीं, सवेरे उठ कर हमारे शास्त्र नहीं कहता चाय पीने के लिए। रामदेव बाबा योगा देखा है ना, सवेरे उठ कर क्या पियो? पानी। चाय नहीं, चाय जहर है। चाय ये जहर है, पीस है, इसमें निकोटीन और उसमें कैफीन इसमें डाला हुआ। चाय नहीं, हमने जहर पिया है। इसे देखना सब योगा करके कहते ना, सवेरे उठ करके जो मुंह में लाल रहता है उसमें सारी मेडिसिन रहती है, इसलिए सवेरे उठ करके पानी पियो। पानी पीने उसको साथ में पानी पियो, कभी मुंह में एक तरह का दवा है उसका अंदर में जाएगा तो हेल्थ मिले अच्छा। इसलिए हमारे जो शास्त्र जो बताया ना सही सही बताया, लेकिन ये अंग्रेजी लोग आकर के बोले सब बेवकूफ लोग, हम लोग इसको क्या कर रहे हो, पानी पियो चाय पियो चाय पियो। इसलिए आप देखना, इसलिए पहले हमारे जो शास्त्र हम लोग देखो, हम लोग पहले पहले कभी देखना नमक और सरिस तेल नमक दांत मारते थे ना, कौन कौन कर कभी किए, कौन कौन किए है ना। और जो टावर और पहले जो दांत मंजन आता था है, और जैसे नीम का दंतन से जैसे हम दांत मारते थे, नीम का दंतन से पेड़ का, पहले ये सब थी ना, लेकिन अंग्रेजी लोग रहे सब बेकूफ कहाँ सब बेकूफ कहाँ से, एक लकड़ी से क्या दांत मज रहे हो, हम बढ़िया चीज ला देंगे, बोले कोलगेट ला देंगे, हमने क्या ला देंगे कोलगेट। लेकिन कुछ दिन बाद में बोले भैया कोलगेट व्यवहार मत कर, क्यों, उसमें कुछ केमिकल है, वो दांत नष्ट कर जल्दी जल्दी खत्म हो जाती है, दांत उसमें खत्म हो जाती है। इसलिए रामदेव बाबा ने क्या लिया, दंत का दिलाया, दंत का दिलाया ना, इसलिए पहले जो हमारी चीज थी फिर रामदेव बाबा वही चीज ले आए, बोले नहीं दंत का थी उसमें सारे मेडिसिन, उसमें सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन है। इसलिए पहले पहले हमारी जो चीज है ना, ये अंग्रेजी लोग आकर हमारे सब खत्म कर दिया। पहले लोग पतले में खाते थे, है ना, केले का बर्तन में खाते होंगे, और देखना सोने के बर्तन में, और पीतल के कच्चा के बर्तन में, चांदी के बर्तन में पहले से खाते थे ना। लेकिन अंग्रेजी लोग सब बेकूफ कहाँ से आ रहे, ये क्या सब चांदी के बर्तन और कच्चा के बर्तन, नहीं, जब आप उसी बर्तन में खाओ उसका कुछ अंश अंदर में जाता है, कुछ अंश उसकी अंदर में जाने पर हेल्थ के लिए अच्छा। उन्होंने क्या ले आए, उन्होंने जो फाइबर किया उसको ले आए, प्लेट ले आए, क्या क्या लिया, थर्माकोल लिया, थर्माकोल। अभी साइंटिस्ट ही कह रहे, बोले खबरदार इसमें कैंसर होगा, इसमें खाने से कैंसर होगा, क्योंकि गर्म चीज डालते हो ना थर्माकोल में, वो कुछ अंश तुम्हारे जाएगा, उसमें कैंसर है। लेकिन ना पहले पहले हमारी जो चीज था ना, अभी साइंस से घूम कर वहीं पर आ रहे, वो साइंस से घूम घाम करके वहीं पर आ रहे। बोले पहले पहले जो थी बढ़िया चीज हमारी थी, हमारे ऋषि मुनियों का, हाँ ऋषि मुनियों का जो, इसीलिए क्या करनी चाहिए, सवेरे उठकर चाय नहीं पीनी चाहिए, सवेरे उठकर क्या पीनी चाहिए, एक लोटा पानी, पानी तीन लोटा पानी पियो, सवेरे उठ करके जितना हो सकता है पानी पियो, जो हेल्थ के लिए हमारी अच्छे है, और कुल्ला ना करियो सुबह उठ के। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु सवेरे उठ करके भक्तों को लेकर के क्या करते थे, सबको लेकर कीर्तन नगर फेंक में जाते थे, मृदंग मजीरा लेकर कीर्तन करते थे। बोले क्यों, सवेरे सवेरे जब ठाकुर का नाम कान में पड़े, कितना मंगल भवन अमंगल हारी, भगवान की नाम लेने से सारे अमंगल हमारी दूर हो जाएगी, जीवन में मंगल मंगलमय होगा। इसलिए जगन्नाथ दास बाबा जी बोले देखो जोर जोर से हरी नाम, जैसे तीन लाख हरी नाम करते थे, एक मानसी एक उपास, उपास मतलब है जो कान तो सुनाई पर, और तीसरा है जोर जोर से, कहते हैं मन मन में सभी उपास उठना अच्छा है, कम से कम ऐसे हरिनाम करो, ऐसे ही नाम करते तो सो जाओ, कम से कम से ऐसे हरिनाम करो जब कम से कम तुम्हारी कान को सुनाई पड़े, उसमें तीन काम हो जाता है, कितना होता है, श्रवण जो कीर्तन क्या वही सुनना, कीर्तन कीर्तन तो हो ही रहा है, और मनन जो बोले वही सुने, वही चिंता होती है। अगर मन मन में करो ना, पता नहीं मन काम भाग गया, देखोगे आधा घंटा बाद मन तो है नहीं, तो मन अपना काम नहीं कर रहा है, किसी गोलगप्पे की दुकान में नहीं तो सिनेमा हॉल में, नहीं तो किसी मन में चला गया दुकान में कपड़े खरीदी करने के लिए चला गया। इसलिए हरिनाम, इसलिए उन्होंने बोले देखो हरिनाम उच्च स्वर से करनी चाहिए, उच्च, हरिदास ठाकुर ने ये चीज उन्होंने सिखा दिया। इसलिए कहते हरे कृष्ण इति उच्चई, इसलिए षड़ गोस्वामी कैसे भजन करते थे, बोले हरे कृष्ण इति उच्चई स्फुरित रसना नाम गणना, ये रूप गोस्वामी के अष्टक में कहते हैं। महाप्रभु कैसे हरिनाम करते थे,
हरे कृष्ण इति उच्च ही उच्च स्वर से करते थे, इसलिए महाप्रभु ने बोले परम विजय जो श्री कृष्ण संकीर्तनम, जय जयकार संकीर्तन की जय जयकार हो। संकीर्तन किसको कहते हैं, जो बहुत लोग मिलकर के जोर जोर से करो उसको संकीर्तन कहते हैं। अकेला आनंद थोड़ी आता है, जब सब मिलकर कीर्तन करो नाचो गाओ तब तो आनंद आता है, हैं? इसलिए बोले कलेर दोष निधर आदत अस्ति एक महान गुण, कलयुग में तो दोष दोष लेकिन एक गुण है बोले कीर्तना देव कृष्ण से, कीर्तना देव कृष्ण कीर्तन को द्वारा जीव का कल्याण है, हैं? इसलिए यहाँ पर ये महापुरुष का जो नियम है कीर्तन को जोर जोर से करो, जोर जोर से करने से इसका जो वाइब्रेशन है चारों तरफ में जाती है, जितने दूर तक जाएगा उसका सारे दुख कष्ट दूर हो जाता है, सारे दुख कष्ट घर में जोर जोर से हरिनाम कर उसका वाइब्रेशन कर घर में घूमेंगे, घर का सारे दुख कष्ट तुम्हारी अपने आप दुख कष्ट दूर हो जाएगी, इसलिए महापुरुष का जो नियम था जोर जोर से करो। लेकिन कलयुग में क्या किया, कुछ कुछ नए लोग आकर के अलग अलग नाम कर दिया, नीताय गौर राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, किसने बोल दिया, किसने बोल दिया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, नए नए नाम निकाल दिए। लेकिन ये महापुरुष कहते नहीं, गौरज लायल नाम से नाम लो, हमारे शास्त्र में जो बताया चैतन्य महाप्रभु जो नाम लिया वही लो, और जब तक छड़ा नाम दूर रख दो, बाद में जो नए नए नाम निकला उसको दूर रख दो फेंक दो। कोई ने किसने कहा हमको सपने में मिला ये सब नाम, किसने बोले हमने ये बताया, अगर तू अलग स्वप्न देखा उसने अलग स्वप्न देखा, अगर सारा दुनिया अपना अपना मन मर्जी अलग अलग स्वप्न देखे फिर शास्त्र का क्या जरूरत है, फिर चैतन्य महाप्रभु का क्या जरूरत है, इनको बोलने का क्या जरूरत, फिर शास्त्र देखो फिर तुम्हारे मन मन में नहीं, ये मन दुष्ट है, ये मन दुष्ट है, शास्त्र जो बताया वो बात हमें स्वीकार करनी चाहिए, महापुरुष ने जो बताया वो चीज हमें ग्रहण करनी चाहिए। ये महापुरुष ने बहुत अच्छी अच्छी चीज सीखा है, इसलिए आज हम लोगों ने जो कथा सुनी कोल द्वीप की, अगर वहां पर कोल द्वीप में कोई करिश्मा गए तो क्या होगा, सप्त समुद्र वही पर पंचबेणी तीर्थराज प्रयाग जनक फल मिलेगा, गिरिराज गोवर्धन जनक फल मिलेगा, राधा कुंड श्याम कुंड जाने का फल मिलेगा, वहां पर जाने पर सब दुनिया के सारे तीर्थ की वही फल मिल जाएगा, और वही पर श्री निर्दय घाट है जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास बन करके और उन्होंने माघ महीना में गंगा पार करते हुए महापुरुष काटुआ में गए थे, तो महापुरुष संन्यास ग्रहण किया, इसलिए जो नवद्वीप धाम में देखो यहाँ पर बैठ बैठ कथा सुन रहे ना उसका फल भी मिल रहा, कथा सुनने पर चिंतन कर रहे जो कथा सुनने पर चिंतन कर रहे इसलिए उसका फल भी यहाँ पर आपको मिल रहा है, और वहाँ पर जाने पर फिर दोनों आदमी लग रहे हैं, ठीक है। बोले श्री सचिन नंदन गौर हरि की जय, बोले श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री जगन्नाथ मिश्र की जय, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय, भक्ति विनोद ठाकुर की जय, करोड़ माया की जय, बोले श्री वृद्धा सीम की जय, पिता गौर प्रेमानंद बोले Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Kr
Yeah.